हमीरपुर जिला के विद्युत उपमंडल टौनी देवी के तहत आने वाले दर्जनों गांवों में सुबह से ही बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिसके कारण लोगों को अपनी दिनचर्या के कामकाज को निपटाने के लिए दिक्कतें पेश आई। जानकारी के अनुसार ठाणा द्रोगण के पास पेड़ों को काटने से मेन लाइन टूट गई। इस कारण टौनी देवी बिजली विभाग के तहत आने वाले करीब 2 दर्जन गाँवों की बिजली आपूर्ति ठप रही। दोपहर तक भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होने से लोगों के काम बुरी तरह से प्रभावित हुए। खासकर आजकल स्कूल बंद होने के चलते ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जा रही हैं, लेकिन कई गांवों में बिजली आपूर्ति नहीं होने से बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं भी प्रभावित हुई। बिजली आपूर्ति कोट कलंजड़ी, कटियारा, बल, डनो, कराहा, ख्याकंगरी के आसपास के दर्जनों गांवों में ठप रही। स्थानीय निवासियों में मनोज सिंह, मान सिंह, प्रताप चंद, सतीश, सुनील, हरि सिंह इत्यादि का कहना है कि कई बार इसी तरह बिजली गुल रहने से समस्या बनी रहती है। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग को चाहिए कि इस तरह अपने मनमाने तरीके से लोगों के द्वारा पेड़ों को काटने से बाधित हो रही बिजली आपूर्ति को दूर किया जाए और इस तरह के काम करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए।